Hi friends, my name is Anisha and I am a homeschooling mom. I am also a physiotherapist by profession and I have completed my ECCA into Montessori training. So I am basically a teacher and this is my daughter. Chalo, introduce yourself. Tell your name. What is your name? aashish.dey. Okay, she is aashish.dey. She is a homeschooler. जैसे हम एक नॉर्मल एक पेरेंट्स के बीच में होता है कि क्या करवा सकते हैं बच्चों को फ्री टाइम में, कहाँ उनका एनर्जी इन्वेस्ट करें. तो आज हमारे मॉर्निंग का रूटीन ये था कि वी आर मेकिंग अ फिश टैंक सेटअप. नॉट एग्जैक्टली फिश टैंक सेटअप बट समथिंग जहाँ पे आप एक इंडोर प्लांटेशन भी कर सकते हो. एक डेकोरेटिव ये जहाँ से मेरे बच्चे को ये अंडरस्टैंड हो कि विदाउट मड, विदाउट सॉल्ट भी चीज़ें बना सकते हैं. यू कैन एड फिशेज टू दिस. तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग. हम भी नए हैं, नो आइडिया अबाउट हाउ टू डू इट. तो जस्ट जो यूट्यूब देखे हैं, जैसे किए हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग. इट्स एन अटेम्प्ट टू टीच हर. सो वी हैव ऑलरेडी मेड दिस रेडी. दिस वॉज वाटर कैन जिसको हमने काटा है और इसको काट के वी हैव क्लीन दिस. इसको क्लीन करने के बाद में मैंने इस पर पहले सैंड डाला है. एंड मैं फॉर एक बात बताता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हमने ली है इसके अंदर, इट्स जीरो कॉस्टिंग. हमने अभी तक इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है. दिस कैन्स ऑल्सो हैव रिसीव फ्री क्योंकि पूजा के टाइम पे हमारे यहाँ बहुत सारे कैन्स आए थे. तो वी हैव टेकन दिस कैन, एम्प्टी कैन. नीचे हमने इसके सैंड डाला है. वी हैव पुट अ स्लाइट लेयर ऑफ सैंड. उसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट है उसको मैंने रात भर भिगा के रखा था. भिगाने के बाद में उसका पानी निकाल दिया है जस्ट टू रिमूव द केमिकल्स फ्रॉम इट. क्योंकि अगर हम इसमें फिश डालते हैं या कोई और सॉफ्ट प्लांट्स डालते हैं तो उसको सर्वाइव करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो केमिकल फ्री हो. तो हमने वर्मी कंपोस्ट को भिगा के उसका पानी निकाल दिया है एंड हमने वो वर्मी कंपोस्ट को इसके बीच में डाल दिया है. यू कैन नॉट सी इट क्योंकि मैंने उसके ऊपर से और एक लेयर ऑफ सैंड दिया है सो कि वो ज्यादा ब्लैकी ब्लैकी ना दिखे. इट शुड गिव अ लुक. टू गिव अ डिसेंट लुक मैंने इसको और एक टू लेयर्स ऑफ सैंड दिया है. राइट, हमने दो लेयर सैंड दिया है इसके ऊपर. अभी हम क्या करेंगे, इसको डेकोरेट करेंगे. राइट, तो हम इसको कैसे डेकोरेट करेंगे? तो हमारे पास कुछ स्टोन्स हैं. ये स्टोन्स भी एक्चुअली हमको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिले हैं. हम जहाँ भी जाते हैं, वी गो टू द बीचेस, हम बहुत घूमते हैं रादर. तो उस टाइम पे हमको जो भी चीजें मिलती है हम उसको कलेक्ट करते हैं. तो देर आर स्टोन्स, देर कैन बी सम कलेक्टेबल्स, शेल्स हो गए हैं, तो हम वो सारी चीजें लेके आते हैं. सो हाँ, देखिए ये मैम शेल लेके आई है. तो यस, एंड दीज वर बेसिकली फ्रॉम भूटान. ये चू रिवर से है क्योंकि वहां तो फ्लोइंग वाटर में ये बहुत स्मूथ हो जाते हैं. एंड दीज आर वेरी कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेकिंग एनीथिंग दैट यू वांट. हाँ, शेल भी पानी से मिलता है. यू नो दैट, सो शी नोज इट. सो उनको शेल मिले थे पानी से जो वो लेके आई है. तो हम अगेन स्टोन्स को स्टैक करेंगे, सिंपल स्टैकिंग करेंगे. मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने बचपन में लगोरी या लगोची खेली है. तो यूजुअली उसमें हम स्टैक कर देते. तो बेसिक प्रिंसिपल इज एक के ऊपर एक स्टैक कर रही हूँ. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. तो बचपन में जिन्होंने भी लगोरी खेली हो, मैंने तो खेली है ऑफकोर्स. तो ऑफकोर्स हम उम्र के लोग जरूर कमेंट करें क्योंकि हमारी जनरेशन को भी पता चले कि ये गेम क्या होता है, क्योंकि समवेयर इट इज गेटिंग लॉस्ट. सो यस, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज कि छोटे छोटे पत्थर एक के ऊपर एक हम रखते हैं टू रीच डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर तक छोटा सा एक पत्थर चला जाए. तो वी स्टार्ट स्टैकिंग इट. यू वॉन्ट टू डू इट? यू वॉन्ट टू ट्राई? अच्छा, लेट्स ट्राई. कम ऑन, बी वेरी जेंटल. एकदम ऐसे पकड़ के रखना है ऐसे. हाँ, एकदम लाइट हैंडली. ओके यस, लेट्स. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड वे टू टीच योर किड्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एज पर द साइज ऑफ द स्टोन. क्योंकि आप बड़े स्टोन से लेके छोटे स्टोन तक जाते हो. तो यस, ये कंसेप्ट क्लियरिंग ये भी हो जाता है कि बच्चे को पता चले व्हाट इज बिग, व्हाट इज स्मॉल, हाउ बिग रीचेस टू स्मॉल. अगर आप उसको ऑर्डर में करते हो, ऑर्डरिंग कैसे होता है. तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें. जैसे मैंने जब उनको सैंड डालने को लगाया था तो शी अंडरस्टूड द टेक्सचर ऑफ सैंड कि सैंड कैसे एक अलग सी रफ फीलिंग होती है सैंड के अंदर. कि जब हमने वर्मी कंपोस्ट डाला था वो कुछ थोड़ा अलग सॉफ्ट सा एक टेक्सचर होता है. सो आपको समझ में आया कौन से टेक्सचर्स आज आपने देखे थे? वो हाँ ही बोलती हैं फॉर एवरीथिंग. ओके, सो हियर वी गो विद द नेक्स्ट स्टोन. हाँ, वो आपने कलर किया था ना.
और एक बात मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का स्टोन रखा है विच ही हैज कलर्ड, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट टू पुट द कलर स्टोन, क्योंकि जब आप पानी डालोगे इसके अंदर, मैंने इसको थोड़ा हाई लेवल पे रखा है, सो अगर पानी में यहां तक लेती हूँ तो शायद कलर नहीं निकलेगा, बट अगर वाटर टचेस इट तो कलर जरूर निकलेगा। सो पेंटेड स्टोन्स को थोड़ा अवॉइड करें, स्पेशली जिनके कलर्स निकलने के चांसेस हो, ताकि वो आपका वाटर मडी ना कर दे, कलर ना चेंज कर दे आपके वाटर का। और हम अदर देन दिस वी कैन ऑल्सो एड, इसको हम ग्लू गन से स्टिक करके भी रख सकते हैं, अगर आप इसमें प्लांटेशन करना चाहे, जो एक्वेरियम प्लांटेशन जो करते हैं आप, वो भी कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट इसीलिए ही दिया है ताकि प्लांट्स का जो फ्लोरल एटमोसफियर उसको मिले, और आप इसमें फिश रख सकते हो, यू कैन जस्ट कीप इट एज अ शो थिंग, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू पुट डाउन स्टोन्स, क्योंकि ऑफकोर्स स्टोन स्लिप करेंगे, या आपके लिए सबसे ईजी ही अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो ग्लू गन से स्टिक करके रख दीजिए, सो इट विल लाइक डायरेक्टली गो ऑन। आशी कैन यू गेट द ड्रैगन फ्लाई प्लीज, वेयर इज द ड्रैगन फ्लाई जो आपने रखा है? ओके, सो यह हमको ये एक ड्रैगन फ्लाई मिला था जब हम पार्क में घूम रहे थे, तो ये एक्चुअली आशी ने ही ढूंढा था, तो इनका जो अंदर की बॉडी है ना वो पूरे एंस खा गए थे, तो हमको जस्ट ऊपर का जो स्ट्रक्चर मिला, इससे आशी ने सीखा है एक्चुअली कितने विंग्स होते हैं, कितने लेग्स होते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड कॉमन मॉडल फॉर द किड, सो आप जितनी नेचुरल चीजें ला सके वो उतना अच्छा है। स्टोन्स को आप अपने हिसाब से डेकोरेट कीजिए, आपको जैसे अच्छा लगता है, आपका बच्चा जितना कर सकता है, अगर आपका बच्चा सिर्फ बिग स्टोन्स डाल सकता है तो प्लीज गो विद द बिग स्टोन्स, डोंट गो फॉर द स्मॉलर वंस, एंड इसको और भी डिजाइन आप दे सकते हो, यू कैन पुट इट इन टू अ फ्लोइंग वाटर स्टेप्स काइंड, या जो भी आपको अच्छा लगे, बट मैंने ये चूज किया क्योंकि फिलहाल मैं उसको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दिखा रही थी, तो आई जस्ट वॉन्टेड समथिंग, एंड येस दिस इज अ कम्प्लीट थिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आपका ये थोड़ा हिला एंड सी फेल डाउन, सो ऑफकोर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, सो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप में से कोई भी अगर इसमें एक अटेम्प्ट में पास हो गया, बिकॉज मैंने कई अटेम्प्ट किए हैं इसके लिए, सो देर इज वन मोर पर्सन विद अस हु इज वेरी गुड विद द कॉन्सेंट्रेशन गेम्स, हु हैज शोन मी दिस एक्चुअली फॉर दिस थिंग, सो येस, सो हियर वी गो, एंड दिस इज द लास्ट वन, सो यस, फेल डाउन। सो आफ्टर लॉन्ग अटेम्प्ट और बहुत बार कोशिश करने के बाद आई फाइनली मेड इट, तो मैंने जो पहले बनाया था वो कुछ और था, अब वो जब कुछ और तरह से लग गया है, बट येस इट इज लुकिंग ब्यूटिफुल, हमने हमारा ड्रैगन फ्लाई को भी यहाँ सेटल कर दिया है अगर आप देख सके तो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इट विल बी वेरी, अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो प्लीज टीच द स्टैकिंग एंड देन फाइनली यू कैन जस्ट टेक इट। हाँ बोलो, अंगूठी अंगूठी केम, दिस इज अंगूठी, सो येस क्लूजस क्वेश्चन आपको बहुत सारे आते हैं बच्चों से, सो ऑलवेज बी श्योर कि आप उसको आंसर करें, सो ये हमने स्टैक कर दिया है, आप इसको स्टिक करके एंड देन ड्रैगन फ्लाई या जो भी आपके पास अवेलेबल है, इट कैन बी अ फ्लावर, इट कैन बी अ लीफ, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको लगा दीजिए, एंड देन स्प्रे वाटर ऑन दिस, मैंने ये सैंड को इसी तरह से सेटल किया, मैंने इसमें पानी स्प्रे किया है जिससे वो सेटल हो गया है। बी श्योर कि आप जो भी फ्लावर अगर लगा रहे हो तो वो पेपर का ना हो, रादर यू विल प्रेफर अ प्लास्टिक फ्लावर और समथिंग दैट इज नॉट डिजॉल्वेबल इन द वॉटर, या रेजिन्स के भी आजकल बहुत सारे छोटे छोटे डेकोरेटिव्स आते हैं, या वी हैव दिस फाइन कोन्स, ये भी एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी हमने किसी गार्डन से उठाया था, सो ऑफकोर्स जिन्होंने भी देखा है प्लीज डू हमको भी कमेंट करके बताइए, ये भी हम उसमें लगा सकते हैं एंड गिव इट अ डिफरेंट लुक काइंड, जैसे अगर मैंने इसको अगर यहाँ साइड में रखा तो इट विल गिव इट अ, तो इट विल शो यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ लुक, फिर रेजिन्स के जो अलग टाइप के ये आते हैं, एंड देन वी जस्ट स्प्रे अ लिटिल बिट ऑफ वाटर टू दिस ताकि थोड़ा मॉइस्ट हो जाए एंड योर सैंड सेटल्स डाउन, वो ज़्यादा यहाँ वहाँ बिखरे ना। फाइनली अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज लेट अस नो व्हाट यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द होम स्कूलिंग पार्ट और अबाउट माय डॉटर हु इज शी, अच्छा वी हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड हर, ओके, शी इज आशीषा, शी इज 5 ईयर इन जैन, सो शी इज 4 ईयर, वी स्टार्टेड अवर होम स्कूलिंग जर्नी 1 ईयर बैक, तो we have done a lot of activities, I will surely share it with you all, and if you all like anything from me please mujhe let us know through your comments
through your subscription so that we know that how many people are following us. Why stone is? And thank you so much. Why stone is soft? Why the stone is soft? Yes, that's a very very good question. Rakit, why the stone is soft? Because these stones, ये जितने भी stones हैं, ये हमने सारे river या flowing water से लिए हैं. So because of the currents in the flowing water, ये सारे stones एकदम smooth हैं. And as this, क्योंकि water flow होते रहते हैं ना continuously, तो उसके जो edges हैं ना, वो sharp नहीं होते हैं, वो smooth हो जाते हैं with water. ये बहते ही रहता है पानी के साथ में. So it always keeps on, see. तो इनके जो sharp edges हैं, वो हमेशा smooth हो जाते हैं. Whenever it collides, it goes smooth, right? And then it is staying in the river, तो वहीं पे रह जाता है. It always soft. So this is how so we have a lot of collection of this shells and this thing. So thank you and please wait for our next video. Bye bye.